अजब शराब की गजब कहानी। रखवाली करने वाले चौकीदार बन गए शराब चोर। दरअसल पूरा मामला वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां थाना क्षेत्र के साथी होटल से 322.36 लीटर विदेशी शराब पुलिस के द्वारा जब्त की गई थी। इस आलोक में भगवानपुर थाना कांड संख्या 143/2024 दर्ज भी की गई थी, जिसके बाद भगवानपुर थाना अध्यक्ष को गुप्त तरीके से जानकारी मिली कि उक्त कांड में जब्त शराब 322.36 लीटर से अधिक था, जिसे भगवानपुर थाना के ही चौकीदार एवं गृह रक्षक तथा संविदा वाहन चालक के द्वारा मलखाने में शराब रखने के पूर्व कुछ शराब की बोतल की चोरी कर ली गई थी। सूचना उपरांत सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसके बाद पता चला कि 1 जून 2024 को जो शराब जब्त हुई उसे मलखाना में रखने से पहले भगवानपुर थाना के चौकीदार राजेश कुमार महतो, चौकीदार जालंधर पासवान, चौकीदार रूपेश पासवान, गृह रक्षक सचिन कुमार एवं थाना के संविदा वाहन चालक पप्पू कुमार के द्वारा लगभग 2 से 3 कार्टून शराब की बोतल को कूड़े कचरे में छुपाकर चोरी कर लिया गया था। चौकीदार के द्वारा शराब की चोरी का मामला उजागर होने के बाद वैशाली एसपी हरकिशोर राय ने उक्त मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चौकीदार राजेश कुमार महतो, चौकीदार जालंधर पासवान, चौकीदार रूपेश पासवान एवं थाना के संविदा वाहन चालक पप्पू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। वही गृह रक्षक सचिन कुमार पुलिस की पकड़ से फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि बिहार में अजब शराब की गजब कहानी पहली कहानी नहीं है। इससे पहले भी वैशाली जिले के एक थाना में थानेदार के द्वारा ही शराब चोरी कर बेचे जाने का मामला सामने आया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष सहित कई अन्य पुलिस कर्मियों को जेल भेज दिया गया था। वहीं अब पुलिस महकमा के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि जिस पुलिस वाले को शराब को जब्त करने की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो क्या उसी पुलिसकर्मी या उनके सहकर्मी के द्वारा शराब की चोरी की जा रही है? तो फिर कैसे होगा बिहार में सफल शराबबंदी?